The legend is back. मैं फिर आ गया अपना दिल से लगता था कि नहीं लौटेंगे चला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे इट्स मी संजय मंडल कम बैक टू एस कमिक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो प्रीव्यू में आप लोगों को एक स्टेटस वीडियो दिखाया बर्थडे स्टेटस, तो उस स्टेटस को कैसे बनाया जाता है आज के इस वीडियो में देखेंगे। एंड दोस्तों हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को दिखाएंगे कैसे इसे क्रिएट किया जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है अगर आप लोग इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो। एंड दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करें, आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप लोगों को इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए कैनवास एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस के अकाउंट पे टच करना होगा, सेकंड वाले रेशियो को आप लोग चूज करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेटिंग के अकाउंट पे आप लोग टच करना है। सेटिंग पे टच करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर एडिटिंग है, इस पर टच करें। यहाँ पर फिल स्क्रीन पे टच करें एंड यहाँ पर जो फोटो क्लिप है इसको आप लोग 0.5 पर इस तरह से ले आइए, ठीक है। उसके बाद ओके पे टच करें एंड इसके बाद आप लोगों को कुछ पिक्चर यहाँ पर ऐड करना है। जिसका भी आप स्टेटस बनाना चाहते हो उसका आप लोग यहाँ पर पिक्चर ऐड कर लीजिएगा, तो अपने भाई का या फ्रेंड का आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, तो आप लोग जितना पिक्चर हो सके ऐड करें, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास 9 पिक्चर है तो मैं और 3 पिक्चर इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, मतलब सेम ही पिक्चर डाल दिए। तो आप लोग जितना हो सके डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग इस तरह से इसे जूम कर लीजिएगा। जूम करने के बाद इस पिक्चर पर टच करें, क्लिप ग्राफिक्स पर टच करें। टच करने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को गेट मोड पर जाने के बाद आप लोगों को इन एनिमेशन मिल जाएगा, दिखाता हूँ मैं आप लोग। गेट मोड पर टच करना है, गेट मोड पर टच करने के बाद आप लोगों को देखिए फर्स्ट में ही इन एनिमेशन मिल जाता है, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। देखिए ये जो है इन एनिमेशन, इसको आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने पर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर है। तो आप लोग सेकंड को देना है इस तरह से एंड सेकंड पिक्चर में थर्ड को देना है, इन एनिमेशन ढूंढना है एंड थर्ड को इस तरह से देना है। उसके बाद थर्ड वाले पिक्चर को आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद वाले जो है फोर्थ वाला इसको देना है। तो इस तरह से सारे जो पिक्चर है आप लोगों को ऐड कर लेना है। मैं एक और करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर इन एनिमेशन पे मैं जाता हूँ, उसके बाद इसको देता हूँ। तो इस तरह से आप लोग जितना भी पिक्चर ऐड करोगे सारे में ये प्रोसेस कर लेना है, तो मैं ये कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों लास्ट पिक्चर में भी ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट है ये भी मैं ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर एक्सपोर्ट पर टच करना है। टच करने के बाद इसे आप लोग फुल HD में एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, पिक्चर का क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगा एंड वीडियो का क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो इस तरह से एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद बैक करें और एक बार बैक करें। उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट आप लोगों को ओपन करना है, सेकंड वाले रेशियो को ही लेना है एंड यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। तो देखिए ये वीडियो है, तो इस वीडियो को ऐड करें, देख सकते हो आप लोग। तो इस वीडियो को फर्स्ट क्या करिएगा, इस वीडियो पर टच करें, यहाँ पर नीचे जाइए, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लीजिएगा इस तरह से। तो ये जो ऑडियो है ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जब ब्लैक स्क्रीन स्टार्ट होता है, ये जब ख़त्म होता है, इस पोजीशन में आप लोग कट लगाना है, कांची पे क्लिक करें, टीम टू राइट क्लिक करें इस तरह से, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद मीडिया पे टच करें एंड आपने अभी जो वीडियो एक्सपोर्ट की उस वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है। तो देखिए इसको मैं ऐड कर लिया हूँ एंड दोस्तों देखिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही छोटा है एंड ऑडियो का लेंथ बहुत ही बड़ा है। तो आप लोग क्या करना है, इस पर टच करना है, 3 डॉट पर टच करना है, डुप्लीकेट कर लेना है। तो इस तरह से आप लोगों को डुप्लीकेट करते जाना है, जितना तक ऑडियो है उतना तक आप लोगों को डुप्लीकेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो देखिए ये डुप्लीकेट हो गया एंड थोड़ा सा देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों इसको इस तरह से कट कर लेना है, ट्रिम टू राइट क्लिक करना है। अब देखिए पूरे वीडियो में ये हो गया है। उसके बाद और कुछ इफेक्ट है उसे आप लोगों को डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन से और यहाँ पर ऐड करना है। तो मीडिया पर जाना है एंड यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कौन सा इफेक्ट है। तो इस इफेक्ट को फर्स्ट आप लोगों को डाउनलोड करना है, इसे आप लोगों को फुल स्क्रीन करना है। यहाँ पर फुल स्क्रीन इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। फुल स्क्रीन करने के बाद आप लोग क्या करना है, ब्लेंडिंग पे जाना है नीचे एंड इसे स्क्रीन कर लेना है इस तरह से,
ठीक है। एंड आप लोगों को यहाँ पर जो इस पोजिशन में स्टार्ट करना है, जो ये वाला है इसको रहने देना है, पिक्चर जब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से इसे ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए ये ऐड हो गया है। उसके बाद दोस्तों और एक वीडियो है, उसे भी आप लोगों को ऐड करना है। मैं दिखाता हूँ कौन सा वीडियो है। तो वो वीडियो को ऐड करने के बाद आप लोगों को एक बॉर्डर वाला PNG ऐड करना है, बस आपका वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस वीडियो को ऐड करना है, इस वीडियो को आप लोग इस तरह से फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। फुल स्क्रीन करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसे ब्लेंडिंग पे करें एंड इसे स्क्रीन दे दीजिए इस तरह से। देखिए ये लाइट इफेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन लाइट इफेक्ट है, ये बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका ऑडियो है शायद, तो ऑडियो को आप लोग इस तरह से म्यूट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक बॉर्डर वाला PNG ऐड करना है, आपका वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो मैं बॉर्डर वाला PNG ऐड करके आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए इसको मैं ऐड कर लिया हूँ, इसको इस तरह से कर लीजिएगा एंड यहाँ पर आप लोग इसे फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, ठीक है। एंड देखिए दोस्तों एक PNG मैं यहाँ पर दे देता हूँ आप लोगों को, हैप्पी बर्थडे वाला, तो वो PNG को आप लोग ऐड कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है। या तो आप लोग अपने दोस्त का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं ये PNG आप लोगों को दे दूँगा, तो इस तरह से आप लोग इसे ऐड कर लीजिएगा ऊपर में। एंड यहाँ पर आप लोगों को ओवरऑल एनिमेशन में इसे फ्लिकर देना है इस तरह से। एंड इस तरह से आप लोग इसे खींच के वीडियो के लास्ट तक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये जो वीडियो है बनकर रेडी हो गया है, मैं प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा हुआ है। The legend is back. तो देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन एक बर्थडे स्टेटस बनकर रेडी हो गया। आप अपने भाई या तो अपने दोस्त के लिए ऐसा स्टेटस वीडियो बनाओगे तो वो देखकर श्योर आप लोगों को तारीफ तो जरूर करेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था। वीडियो अगर सच में पसंद है तो लाइक करें, आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।